नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। रिसेंटली द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपती है जहां पे ये बताया जाता है कि ईरान ने रशिया को फतेह 360 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दिया। अब ये न्यूज जैसे ही पब्लिक डोमेन में आता है, वैसे ही यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी ये सारे देश मिलकर हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं और ये बताते हैं पूरे दुनिया को कि ईरान ने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। और इसके बाद जो रहा सहा कसर होता है वो इन देशों के जो न्यूज एजेंसीज होते हैं वो प्रोपेगेंडा चला चला के फुलफिल कर देते हैं। जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उस प्रोसेस में हम किस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये काफी मायने रखता है। अगर यूएसए किसी देश में इन्वेड करता है तो उसे काफी पॉजिटिव शब्दों से नवाजता है, यानी कि यूएस ये बताता है या कन्विंस करता है पूरे दुनिया को कि अगर उस देश के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा तो वो देश एक ग्लोबल थ्रेट है। लेकिन जब वैसा ही कोई देश जिनके संबंध यूएस, यूके, फ्रांस या इन सब यूरोपियन कंट्रीज के साथ अच्छे ना हो, अगर वो किसी देश को इन्वेड करता है तो बताया जाता है कि सामने वाला देश ने यूनाइटेड नेशंस के जो नियम कानून है उसका वायलेशन किया। ये हमारे सामने द जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल है जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा कि ईरान्स मिसाइल ट्रेड विद रशिया इज अबाउट चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। यहां पे ये बताया जा रहा कि ईरान के द्वारा रशिया को वेपन देना वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर यूएस, यूके, फ्रांस ये सारे देश अगर यूक्रेन को वेपन दे रहे हैं तो इससे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, जिसमें कि यूएस और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ही एक्सपर्ट हैं। और अगर किसी भी तरीके से हम भारतीयों को यह लगता है कि अगर भारत रशिया के साथ व्यापार करेगा और यूएस उसके ऊपर एतराज नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। वैसे तो हम सभी को पता है कि रशिया और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं और बहुत हद तक भारत का जो डिफेंस है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में कभी भी कोई आपका परमानेंट दोस्त या एनिमी नहीं होता है। यहां पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करता है और साथ में रशिया को भी कुछ देश चाहिए जो उनके हिस्से में रहे, तो इन्हीं सब प्रोसेस में भारत और रशिया के बीच में कुछ व्यापार होते रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी सामान होता है जो कभी पब्लिक पर्पस में यूज होता है, कभी उसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस में भी होता है। अगर इसको हम बहुत ही कम शब्दों में समझना चाहें तो आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सिविलियन पर्पस में भी कर सकते हैं और कितनी बार मिलिट्री पर्पस में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी सिविलियन पर्पस ड्रोन ले लीजिए और उसको किसी एरिया में भेज के वहां से जो डेटा है उसको आप कैप्चर कर लें और लेटर ऑन उस डेटा का इस्तेमाल आप मिलिट्री पर्पस में कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही व्यापार भारत और रशिया के बीच में हो रहा जिसको लेके यूएस सख्त एतराज व्यक्त कर रहा। तो यहां से आप एक चीज बहुत स्पष्ट समझ जाइए कि अगर आप किसी भी तरीके से यूएस के इंटरेस्ट के सामने आते हैं तो यूएस आपके साथ भी वही काम करेगा जो काम वो आज के डेट में नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना या रशिया के साथ करके रखा है। अगर ईरान ने किसी भी तरीके से रशिया को अगर वेपन दे भी दिया या रशिया ने ईरान से वेपन खरीदा तो ये कोई नई फेनोमिना तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी ये सारे देश अपने देश के जो हथियार है उसको नहीं बेचते हैं। बल्कि इनफैक्ट अगर आप यूएस का फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे या सिंपली अगर आप उसको ऑब्जर्व भी करेंगे तो यूएसए अगर किसी भी देश के साथ अपने नजदीकी को बढ़ाता है तो वहां पे वो सबसे पहला कोशिश यही करता है कि वो हथियारों को बेचता है। तो अगर यूएस हथियार बेचता है तो वो जायज है। और बाय द वे एक बात मैं और बता दूं कि यूएस दुनिया को सबसे अधिक हथियार बेचता है। 2022-23 का अगर आप डेटा देखेंगे सिप्री का तो आपको मालूम पड़ेगा कि लगभग 42% यूएस ने आर्म्स एक्सपोर्ट किया है या सेल किया है। यूएस व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन शॉन सेवर्ट का ये कहना है कि किसी भी तरीके से अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को देता है तो इससे रशिया और यूक्रेन वॉर में काफी एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये एस्केलेशन देखने को मिलेगा, अगर आप शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से किसी भी चीज को ओवर ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता है और साथ में उसको नेगेटिव भी दिखाया जाता है। और शायद हम कह सकते हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बीते 20 सालों में सबसे बेवकूफ हेड ऑफ स्टेट निकल के आए हैं, जहां पे इनको यूएस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा चढ़ाया गया और इनको ये लग गया कि ये रशिया को हरा देंगे। 2019 में जब प्रेसिडेंट बनते हैं ज़ेलेंस्की तो इनको प्रेसिडेंट बनाने के पीछे यूएस का एक बहुत बड़ा हाथ था। और जहां पे आज भी यूएस हो गया, यूके, फ्रांस, जर्मनी ये सारे देश यूक्रेन को वेपन्स वगैरह दे रहे हैं। लेकिन यहां पे जो चीज समझने वाली बात है वो ये है कि यूक्रेन की जो आर्मी है ये इतना केपेबल नहीं है जितना केपेबल रशियन आर्मी है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई मुझे AK-47 या कोई भी असॉल्ट राइफल देता है तो मैं उस चीज का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से इस्तेमाल एक ट्रेंड आर्मी या मिलिट्री करेगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो साफ देखने को मिल रहा, जहां पे जो मेजोरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है उनको समझ में आ गया है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करना या वेपन्स वगैरह देना ये कंप्लीट तरीके से एक फ्लॉप आइडिया
आइडिया है और इसीलिए यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी इन सब के द्वारा जो प्रोमिसेस किए गए हैं उसका मैक्सिमम जो है सिर्फ और सिर्फ 10% ही फुलफिल किया गया है, जिसके कारण क्या है कि लगभग 20-25% एरिया यूक्रेन अपना गवा चुका है और ऐसे चांसेस बनते हुए नहीं दिख रहे हैं जहां पे व्लादिमीर पुतिन उन सब कैप्चर्ड एरिया को वापस करेंगे। और जब भी इन सब यूरोपियन कंट्रीज को कुछ समझ में नहीं आता है तो उनको लगता है कि बस अगर आप सामने वाले देश के ऊपर अगर आप सैंक्शंस लगा देंगे तो उस देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी और एज अ रिजल्ट वो देश कोलैप्स कर जाएगा। बाय द वे एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि फ्रांस के आज भी 12 या उससे भी ज्यादा ओवरसीज टेरिटरीज यानी कि कॉलोनीज है, लेकिन कभी भी आपने सुना है कि यूके ने कुछ कहा है कि जो फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरीज है आप उसको छोड़ दो? या अगर आप इनफैक्ट और भी जानना चाहें तो जो दुनिया में स्लेवरी है या जो रेसिज्म है ये भी एक तरह का माइंडसेट है या ये भी एक तरीके से एक प्रिंसिपल है जहां पे आप सामने वाले को ये बताते हैं कि तुम हमसे इन्फीरियर है और इन सब प्रोसेस में वो सामने वाले देश को कॉलोनाइज करते हैं और उस देश का जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम खास करके इस पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन उनका ये दावा है या इनफैक्ट कहना है कि कुछ रशियन आर्मी को ईरानियन फोर्सेस ने ट्रेनिंग दी है इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर कोई भी देश अपने हथियार को बनाता है तो एक जो बेसिक ट्रेनिंग होता है उस चीज के बारे में या उस वेपन के बारे में जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या जानकारी होता है वो रशियन आर्मी को दिया गया है ईरानियंस के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया था कि ईरान के द्वारा फतेह 360 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दिया है। अब यहाँ पे एक चीज जो आप भी समझ सकते हैं वो ये है कि अगर रशिया ने ईरान से फतेह 360 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लिया है तो कहीं ना कहीं इस बैलिस्टिक मिसाइल में कुछ ना कुछ तो खूबियां रही होंगी। तो जो एज पर मीडिया रिपोर्ट है अगर आप सिर्फ उसी को पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि फतेह 360 जो है ये सच में एक काफी अच्छा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका कि जो अप्रोक्सीमेटली रेंज है वो कुछ 120 से लेके 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जो कि अपने आप में काफी मैसिव रेंज हो जाता है। और साथ में जो इसका वॉरहेड है वो कुछ 150 किलो के आसपास है यानी कि मिसाइल के जो आगे वाले पोर्शन होता है। और बाय द वे अगर आप इसका स्पीड जानना चाहें तो ये मैक 4 स्पीड तक टच कर देता है यानी कि एक घंटे में लगभग ये 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत जबरदस्त है जो कि 30 मीटर के आसपास पड़ता है। और साथ में जो मॉडर्न डे वॉरफेयर है यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके देश का हथियार को आप कितने आसानी से आप उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा सकें और कितनी आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सकें और कितना वो एक्यूरेट रहे। तो अगर आप बहुत ही लमसम समझना चाहें तो जो फतेह मिला है रशिया को अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही कह रहे हैं तो ये अपने आप में काफी जबरदस्त शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका कि रशियन आर्मी बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाली। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा बेवकूफ निकल के आया है वो है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, क्योंकि जब इसराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो पूरा का पूरा जो मोमेंटम होता है वो यूक्रेन से शिफ्ट होके इसराइल की तरफ आ जाता है जहां पे बहुत हद तक जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका सपोर्ट यूक्रेन को मिलना ही बंद हो जाता है। तो यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि यूक्रेन को वॉर डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि उस वॉर डैमेज से किस तरीके से यूक्रेन बाहर निकलेगा ये तो बस समय ही बताएगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।